गुजरात में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। दोपहर 2:20 पर होगा समारोह। आज भूपेंद्र पटेल अकेले लेंगे शपथ। 2 दिन बाद गुजरात कैबिनेट का हो सकता है ऐलान। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे गृहमंत्री अमित शाह। आज दोपहर 12:30 पहुंचेंगे अहमदाबाद। मध्य प्रदेश और गोवा के मुख्यमंत्री भी जाएंगे अहमदाबाद। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। अहमदाबाद के गाटलोडिया सीट से विधायक हैं भूपेंद्र पटेल। पहली बार 2017 में चुने गए थे विधायक। सीएम चुने जाने के बाद गुजरात के राज्यपाल से भूपेंद्र पटेल ने की मुलाकात। विधायक दल की चिट्ठी सौंपी। गृहमंत्री अमित शाह ने भूपेंद्र पटेल को दी बधाई। कहा गुजरात की विकास यात्रा को मिलेगी नई ऊंचाई। भूपेंद्र पटेल को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी बधाई। विधायक दल का नेता चुने जाने पर किया फोन। विजय रूपाणी ने भूपेंद्र पटेल को दी बधाई। कहा अगला चुनाव भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में लड़ेंगे। गुजरात में नए सीएम पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया। कहा हार के डर से बीजेपी ने बदला सीएम। भवानीपुर सीट से आज नामांकन करेंगी प्रियंका टिब्रेवाल। बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ बनाया उम्मीदवार। ममता के खिलाफ भवानीपुर से लड़ने वाली बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल के पक्ष में जारी हुआ पोस्टर। लिखा गणतंत्र की प्रतिष्ठा की लड़ाई स्वेच्छाधारी शासक के खिलाफ। प्रियंका गांधी के रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी मीटिंग। यूपी चुनाव को लेकर संजय राउत का बयान। 80 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। गोवा में भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी शिवसेना। 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी। आज अयोध्या जाएंगे आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया। कल तिरंगा यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। आज से शुरू होगा कर्नाटक विधानसभा का सत्र। बोम्मई की अगुवाई वाली सरकार का होगा पहला सत्र। नीट परीक्षा से छूट देने के लिए विधेयक लाएगी तमिलनाडु सरकार। आज विधानसभा में होगा पेश। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दी है अर्जी। कोरोना से मौत पर मुआवजे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार सौंप सकती है रिपोर्ट। कुशीनगर में सीएम योगी ने समाजवादी राज की दिलाई याद। कहा 2017 से पहले अब्बा जान कहने वाले ही पचाते थे राशन। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोले राम भक्तों पर गोली चलाने वाले तालिबानी मानसिकता वालों को जनता ना करे बर्दाश्त। कांग्रेस राम की और आस्था का पान करती है और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। रायबरेली के हनुमान मंदिर में प्रियंका गांधी ने की पूजा। पुजारी ने कहा यूपी और देश में कांग्रेस सरकार के लिए प्रियंका ने की प्रार्थना। रायबरेली में पीड़ित परिवार से प्रियंका गांधी ने की मुलाकात। परिजनों को दिया मत का भरोसा। दीवार गिरने से 3 बच्चों की हुई थी मौत। सीतापुर की सदर सीट से बीजेपी विधायक राकेश राठौर ने अखिलेश से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक जल समाजवादी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। वरुण गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। कहा उम्मीद है कि भूमि पुत्रों की बात जरूर सुनी जाएगी। यूपी के हापुड़ में बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन। 2022 में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने का योगी के मंत्री का दावा। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग से संवाद स्थापित कर रही है। हम किसान सम्मेलन भी कर रहे हैं, हम युवा सम्मेलन भी कर रहे हैं, हम महिला सम्मेलन भी कर रहे हैं। चित्रकूट में बीजेपी के 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति में पहुंचे राधामोहन सिंह। 2022 जीत का दिया मंत्र। कृषि कानून पर नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अमरिंदर को लिखी चिट्ठी। प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की है। सिरसा में संयुक्त किसान मोर्चा ने व्यापारी युवा मजदूर किसान महासम्मेलन का किया आयोजन। कहा पंजाब की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी गन्ने का समर्थन मूल्य 50 रुपए बढ़ाए। दरभंगा में किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने लिया हिस्सा। गिरिराज ने कहा बिना बिचौलिए के सीधे किसान के खाते में पहुंच रहे पैसे। पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा मामले में CBI ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शनिवार को 4 की हुई थी गिरफ्तारी। कर्नाटक में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आज प्रदर्शन। डीके शिव कुमार बैलगाड़ी पर जाएंगे विधानसभा। यूपी के औरैया में समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने लिया हिस्सा।
गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के किसान नौजवान पटेल यात्रा में धक्का मुक्की, मंच पर तलवार दिखाने के सवाल पर बोले नरेश उत्तम, जो भी तरीका अपनाना होगा उस तरीके से लड़ेंगे। योगी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती के फैसले का किया स्वागत, कहा बीएसपी को सद्बुद्धि आई कि अपराधियों को टिकट नहीं देंगे। झारखंड विधानसभा बीजेपी की मांग के मामले में जेडीयू बिहार प्रदेश अध्यक्ष की एंट्री, कुशवाहा ने कहा बीजेपी की मांग ठीक नहीं। सतना के रैगांव विधानसभा में बीजेपी की जन दर्शन यात्रा, सीएम शिवराज ने खोला सौगातों का पिटारा, मंच पर ही अधिकारी को लगाई फटकार। दिल्ली के चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन करने पहुंचे केजरीवाल का विरोध, बीजेपी और स्थानीय लोगों ने उठाई आवाज। उन्नाव में ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में बड़ी कार्रवाई, प्रधान पंचायत सचिव समेत 8 पर धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज। काकिना का रेप हत्याकांड मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी पहुंची मुख्यमंत्री पहुंची मुंबई, महाराष्ट्र के डीसीपी डीजीपी से मुलाकात। बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी गिरफ्तार, दुष्कर्म के आरोप के बाद से थे फरार। रायपुर में बीजेपी नेता संजीव जैन आत्महत्याकांड में आरोपी ठग पति पत्नी गिरफ्तार, लोन देने के नाम पर हुई थी ठगी। चित्रकूट में बीजेपी किसान मोर्चा का सम्मेलन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया संबोधित, योगी और मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। योगी जी का प्रताप है, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी बम नहीं गिरा। गोना में एसपी महिला सभा के अध्यक्ष के निशाने पर योगी सरकार, महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पर बताया संवेदनहीन। सबसे गंभीर बात यह है कि सरकार इन अपराधों को लेकर संवेदनहीन है, जब अपराध हो जाते हैं तो अधिकारियों को बचाया जाता है। औरंगाबाद में मंत्री अब्दुल सत्तार ने बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा, पीड़ितों को उचित मुआवजा देने का दिया भरोसा। दरभंगा में बीजेपी विधायक ने ओवैसी पर साधा निशाना, जिन्ना का दूसरा रूप बताया, अफगानिस्तान जाने की सलाह दी। बरसाती मेंढक की तरह ओवैसी जी अब टटराते हैं और अपना उपयोगिता सिद्ध करना चाह रहे हैं, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए वो दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं इस देश में, वो कभी नहीं बन पाएंगे। आगरा में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान, यूपी में प्रियंका गांधी होंगी पार्टी का चेहरा, किसी दल से नहीं होगा गठबंधन। और नेतृत्व का चेहरा लेकर हम आपके सामने हैं, वो प्रियंका जी, हमने आपको बताया कि आज जो हम जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं तो उन्हीं के दिशा निर्देश पर कर रहे हैं, वो हमारे लिए चेहरा। मेरठ में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, 40 साल से पार्टी से जुड़े रमेश ढींगरा ने दिया इस्तीफा, मोदी और योगी सरकार की तारीफ की। बीजेपी पर भड़के उमर अब्दुल्ला, कहा मुसलमानों के प्रति सिर्फ नफरत बीजेपी का एजेंडा। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता हत्याकांड के संदिग्ध आरोपी हरमीत सिंह का फेसबुक पर कबूलनामा, कथित सुसाइड नोट अपलोड। श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला, घायल सब इंस्पेक्टर की गई जान। सब इंस्पेक्टर की मौत पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जताई संवेदना, कहा व्यर्थ नहीं जाएगी अफसर की शहादत। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने दिया कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड, युवाओं को आगे आने के लिए किया प्रोत्साहित। हिमाचल के बिलासपुर में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के कार्यक्रम में हंगामा, दो गुटों में जमकर हुई मारपीट। भिंड में मंत्री के समर्थक ने एएसआई के पैर पर चढ़ाई गाड़ी, नाराजगी जताने पर पुलिस वाले से की बहस। शोपिया में शहीद मेजर मयंक विश्नोई का मेरठ में हुआ अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई के लिए जुटी लोगों की भारी भीड़। गुरदासपुर में कांग्रेस सांसद प्रताप बाजवा ने श्रीकंद साहब गुरुद्वारे में टेका मत्था, श्री गुरु नानक देव जी के विवाह पर्व पर पहुंचे थे गुरुद्वारा। इंदौर में बीजेपी विधायक के जन्मदिन पर कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, बधाई देने के लिए जुटे हजारों समर्थक। बुलंदशहर में मोबाइल स्नैचर की पिटाई का वीडियो वायरल, बाजार में लड़की का फोन छीन कर भाग रहा था युवक। भोजपुर में पुलिस हिरासत में महिला की संदिग्ध मौत, एसपी ने 3 महिला पुलिसकर्मियों को किया सस्पेक्ट। सोनीपत में ट्रेन के आगे कूदकर पति पत्नी ने की खुदकुशी, बचाने गए 12 साल के बेटे की भी मौत। बहराइच में 36 घंटे में फिर डबल मर्डर से सनसनी, खेत में मिला महिला और 5 साल के मासूम का शव।
नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के गिरफ्तार, पासपोर्ट, आधार कार्ड और डेबिट कार्ड जब्त। नोएडा पुलिस ने महिला समेत दो लोगों के गिरफ्तार, ई कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए ठगी करने का आरोप। रामपुर में सरकारी कॉलोनी में दीवार गिरने से हादसा, एक महिला की मौत, दो मासूम घायल। आगरा में हाथरस से पूर्व सांसद सारिका बघेल के पति के खिलाफ केस दर्ज, हॉस्पिटल संचालक को जान से मारने की धमकी देने का आरोप। बाराबंकी में पकड़ी गए अवैध मॉर्फिन की बड़ी खेप, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 9 करोड़ रुपए, दो तस्कर भी गिरफ्तार। भदोई में टोल बूथ में घुसा बेकाबू ट्रक, बाल बाल बची, टोलकर्मी की जान सीसीटीवी में कैद, पूरी घटना। बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, दो बदमाश घायल, एक पुलिस वाला भी जख्मी। थाने के पालीगांव इलाके में कार और रिक्शे की टक्कर, भीषण हादसे में चार लोगों की मौत। पटना के शास्त्री नगर में ज्वेलरी शॉप में लूटपाट करने वाले गिरफ्तार, एक पिस्टल भी बरामद, फिल्मी अंदाज में वारदात को दिया था अंजाम। जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग के दौरान शहीद हुए एसएसबी जवान का सीतामढ़ी में हुआ अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद सब इंस्पेक्टर का कुपवाड़ा में अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा हुजूम। दिल्ली में कोरोना के घटे मामले, 24 घंटे में नए मामले सिर्फ 22, एक भी मौत नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के 3600 से ज्यादा नए मामले, पिछले 24 घंटे में 46 मौतें। मुंबई का 354 नए कोरोना मामले से सामना, 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत। देश में कोरोना से बीते 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 338 मरीजों की मौत। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार जारी है, अब तक 73,76,00,000 से ज्यादा डोज दिए गए। कोलकाता में मंत्री का दिखा अलग अंदाज, गणेश पूजन के कार्यक्रम में गाना गाते दिखे सुजीत बोस। बद्रीनाथ धाम में 3 दिन के गणेश महोत्सव का समापन, शोभा यात्रा के बाद अलकनंदा नदी में मूर्ति विसर्जन। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ढोरनाथ मंदिर में की पूजा, परिवार समेत भगवान शिव का किया रुद्राभिषेक। नोएडा में एला फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन, 100 से अधिक मरीजों की हुई जांच, डॉक्टरों को किया गया सम्मानित। मुंबई में जीआरपी पुलिस ने ट्रेन के सामने गिरी महिला की बचाई जान, सीसीटीवी में कैद भी तस्वीरें। यूएस ओपन मेंस फाइनल में बड़ा उलटफेर, मेदवेदेव ने जोकोविच को हराया। ब्रिटेन के एमा राडुकानो ने जीता यूएस ओपन महिला सिंगल्स का खिताब, फाइनल में कनाडा की लेला फर्नांडिस को सीधे सेटों में हराया। आईपीएल के लिए अबू धाबी पहुंचे रोहित शर्मा और बुमराह, कोहली और सिराज भी जाएंगे दुबई। इंग्लैंड के बेस्ट वोक्स और मलान ने आईपीएल के लिए अपने नाम वापस लिए, थकान को बताई वजह। वॉशिंगटन सुंदर भी नहीं खेलेंगे, आरसीबी की ओर से आईपीएल, उंगली में चोट की वजह से बाहर। तालिबान के डर से अफगानिस्तान से मशहूर संगीतकार भागे, मौत का सताने लगा था डर। काबुल में कई लोग पार्क में रहने को मजबूर, तालिबान के सत्ता में आने के बाद हुआ पलायन, कुछ दिनों में घर लौटने के आसार। अफगानिस्तान के सबसे बड़े एयरलाइंस प्रमुख की अपील, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए मांगा विदेशी सहयोग। ब्राजील में राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, महाभियोग चलाए जाने की मांग। साइबेरिया में लाने के दौरान क्रैश हुआ रूसी विमान, हादसे में 4 यात्रियों की मौत, 12 बचाए गए।